मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाज़े किया है कि मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई को आईनी तरमीम पर ऑन बोर्ड लाना चाहते हैं तो एतराज नहीं। निजी टीवी से गुफ्तगू में उन्होंने दावा किया कि मौलाना ने आईनी तरमीम के बुनियादी नकात पर एतराज नहीं किया। बड़ी चीज़ें मौलाना की रजामंदी के साथ और मौलाना की ख्वाहिश के साथ तराश खराश हो गई है तरामीम की, और मौलाना के मसवदे में या मौलाना की जो अपनी राय और सोच है उसके बड़े करीब तर पीपल्स पार्टी भी आ चुकी है, हम भी आ चुके हैं। और इम्कानी तौर पर मैंने जो अक्टूबर का पहला या दूसरा हफ्ता कहा था तो मैं अब भी उस बात पर कायम हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि टाइम फ्रेम सख्ती के साथ हम नहीं दे सकते, ये स्पेल ओवर भी कर सकता है, हो सकता है दो हफ्ते से भी आगे चला जाए। दूसरी जानिब जेयूआई के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है कि आईनी तरमीम से मुतालिक ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं हुई जिसकी बुनियाद पर ये कहा जाए कि मौलाना ने कोई बात तस्लीम या मुस्तरद कर दी। वही है जो कि पहले थी, और ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है जिसको बुनियाद बना के कहें कि मौलाना साहब ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है, ये बात रिजेक्ट कर ली है, ऐसी कोई बात नहीं। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम जल्द लाने का दावा किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी कह चुके हैं कि 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम लाई गई तो मुश्किलात होंगी।